फाइनली हमारी नक चढ़ी इंडिपेंडेंट जिज्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। लोगों ने जब भर भर के सुनाना शुरू कर दिया कि बहन देख, ऐसे तो नौटंकी ड्रामे तो बहुत करती लेकिन तू हियरिंग में काहे नहीं जाती। तो भाई ऐसा कुछ आया है सामने कि हम काहे बताएं। दीदी ने कुछ ऐसी चीज़ बोली है हैं, और दीदी को हंसी भी आ रही है काहे की खातिर। लोग कह रहे हैं अंकुश का नाम नहीं है, भंकुश नाम है। दीदी कह रही वाह दीदी वाह। ये वो दीदी हैं भक्तों जो घर बसाना चाहती हैं, और आप लोग देख रहे हैं ना, ये वो नारी है जो अपने पति का नाम बिगाड़ने पे दांत कर रही खीखी खीखी। और इसकी सोच में तो इतनी ज़्यादा मोच है कि भाई साहब पूरी ज़िंदगी मोचे में गुजर जाए। फिलहाल एक कहानी शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। और हाँ भाई, अपना बग्गा जब पहुँचा है तो बग्गे को मिल रही है एडवाइस कि सुनो, तुम्हारे घर में सब एक से एक बढ़कर एक हैं और कोई ज़मीन से जुड़ा इंसान है नहीं, और घर परिवार का और इंसानियत का और कैसे घर परिवार में रहा जाता, कैसे सबका नेचर होना चाहिए, उधर सब पता नहीं आदि मानुष या आदि पुरुष या कहाँ नाम गिनाए जा रहे हैं कि वो कहाँ है पता नहीं हमें, है ना। महान बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन अगर तुमको इंसानियत सीखनी है, मिलनसार होना, तो अपने ससुराल वालों जैसा बनो। वाह जी वाह, अभी आग लगी होगी। जब आते हैं इधर तो लोग भर भर के अंकुश की या फिर इधर की बग्गे की फैमिली, है ना, उनको छोड़ छाड़ के सिर्फ बात होती है दुपट्टा की फैमिली की, है ना। और दुपट्टा की जो फैमिली की बात होती है तो कुछ लोग इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये है खुले पंजाबी दिल वाले लोग और उधर लिचड़ किचड़ कंजूसी वाले लोग। तो भैया ये सारी चीज़ें किसी को बुरी लग सकती हैं, लेकिन जिसको लगे तो लगे। तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फाइनली हमारी झूठी दीदी ने अपने ऐसे जाल बिछाए थे वो आप सब देख ही रहे हैं, लेकिन हाँ छोटकन्नी बहुत है शैतान है भाई, एकदम चुलबुले नहीं सबके बुलबुले निकालने वाली है, हैं। तो उसने अपनी ड्रामेबाजी शुरू कर दी है। असल में एक सब्सक्राइबर ने डांट लगाई थी कि तू दुख बहुत दुखियारी और ड्रामेबाजी करती है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो तू कोर्ट नहीं पहुंचती है, हियरिंग पे जाना चाहिए, तूने कानून का मजाक बना के रखा है। तो भाई दीदी के भक्त पहुंच गए वहां पर, पूरा संभाल लिए इधर से उधर। और दीदी के भक्तों में से एक भक्त ने कहा, पहली बात तो उसका नाम अंकुश नहीं है, उसका नाम भंकुश है। मतलब दीदी के फरिश्ते जिसको सासू अम्मा, भंकुश की सासू अम्मा कागजी सासू अम्मा, कि अगर वो कागजी दामाद है तो सासू अम्मा भी तो कागजी ही हैं। तो भंकुश की सासू अम्मा, मतलब फरिश्तों के अनुसार भंकुश, हमारे लिए तो अंकुश ही। तो भाई वो बोल रहे ना ना, हम तो थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू लेडीज़, आप कितना अच्छा बोलते हो, कहाँ से आए हो। मम्मी जी आपकी बेटी ने बताया तो था कि वो फरिश्ते हैं, ईश्वर ने भेजा है, भगवान ने भेजा है फरिश्तों को गाली गलौज करने। क्या मम्मी जी, आप वैसे तो अपनी हर बेटौनी के वीडियो देखती हैं, अपनी बहुरिया के भी वीडियो देखती हैं, लेकिन आप ये तक भूल गई कि भाई साहब लोग कहाँ से आए हैं, कौन है। और बड़कन्नी जी ने तो खैर ज़्यादा एक्टिंग कर दी। हाँ मम्मी, ये मेरे बारे में बोल रहे हैं, ये तो मैंने बोला था अपने ब्लॉग में। ओ माय गॉड, मतलब यार और एक्टिंग नहीं करने का था ना जीजी पर, कोई बात नहीं। खैर तो हियरिंग को लेकर जो बात हो रही थी, इस पे हमारी जीजी के मन पसंद का जवाब, जीजी ने सहमति भी दी इस जवाब में, लिखा था वो वेल्ला है और कोर्ट जाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा, हैं, मतलब वेल्ला है। अच्छा आपकी दीदी ISPCS या देश की पूरी जिम्मेदारी संभालने वाली महिला हैं, वो वेल्ली नहीं है, वो वेल्ला है, है ना, चलो खैर। और अगर वहाँ जाएगा नहीं कोर्ट तो ब्लॉग कैसे बनाएगा, हियरिंग वाला ब्लॉग, ओ माय गॉड, हैं। व्यूज़ भी तो कोर्ट वाले हियरिंग से ही बढ़ते हैं, बाकी को कंटेंट से कुछ होता नहीं है। और दीदी ने तपाक से जाए हार्ट दे दिया, हाँ तुमने हमारे मन की बात कह दी, कहीं ऐसा तो नहीं ये फेक आईडी हमारी दीदी की है, हैं। अन्नु गुप्ता, वैसे याना गुप्ता नाम की भी एक आईडी थी, सुना था वो बड़कन्नी जज्जे के नाम की थी आईडी, है ना। तो सोचो यहाँ पर ये पहले फेक आईडी से जाए जाए कि अपने मन की बातें लिखते हैं, और उसके बाद सहमति देने के लिए एक हार्ट दे आते हैं, लाइक कराते हैं कॉमेंट। यहाँ पर ये है कि भाई वो जाता है इसीलिए क्योंकि उसको हियरिंग वाला कंटेंट बनाना होता है, अदरवाइज व्यूज़ कहाँ आते हैं। वैसे फरिश्तों, आपकी दीदी जो है
पति और ससुराल और ससुराल वालों के अलावा उसके व्यूज़ कभी आते हैं, खाना खजाना दिखाती व्यूज आते हैं नहीं, और आजकल तो भाभी पे भी टॉन्ट जारी रहता है। विगत दिनों से थोड़ा मामला ठंडा है, अदरवाइज मुँह चिढ़ा रहता है, नाक चिड़ी रहती है, नकचढ़ी इसीलिए नाम रखा है। तो आपकी प्रिय दीदी के भी व्यूज़ तो पति के नाम से ही आते हैं, क्यों आप बताइए, आते हैं कि नहीं आते हैं पति के नाम से भी आते हैं, आपको भी बहुत अच्छे से पता है, हैं? इतना ही नहीं भाई, कुछ और भी दीदी ने बहुत मन से जाए की सहमति दी। मैटर ये करता है कि कौन सही है और कौन गलत है, आप डिसाइड करेंगी कौर साहिबा। कौर सरदारनी, आय हाय, कौर सरदारनी ने लिखा है कि मैटर ये करता है कि कौन सही कौन गलत है। हमको तो लगता है जब आप ही डिसाइड करेंगी तो ना हमारी परेतिन जी को आप ही के पास आना चाहिए, आप ही इनका फैसला कर दीजिए, क्योंकि आपके फैसले के अनुसार तो अंकुश ही गलत है ना, और हमारे दीदी के पक्ष में फैसला भी हो जाएगा। बढ़िया बात बताई है मैंने सब्सक्राइबर्स। खैर आगे पढ़ते हैं, इनका कहना है कोर्ट पहुँच जाना दिखाने के लिए कि आप बहुत दुखी हो, उससे कुछ नहीं होगा, हर हियरिंग में जाना ज़रूरी नहीं है, और इसीलिए हम पे करते हैं लॉयर्स को। ओ माय गॉड, बड़े लोग बड़े बात है, इसीलिए हम पे करते हैं, यूट्यूबर्स हैं इसलिए हम पे करते हैं, अनगिनत पैसा है। अदरवाइज़ भाई जो लोग सीरियस होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर वो ज़रूर जाते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, हैं? और दीदी की मन की बात एक और किसी ने लिखी है, जो कि भाई दीदी खुश हो गई होंगी, है ना, हर हियरिंग में पहुंच जाना एक ही जैसा शर्ट पहन के ये साबित नहीं करता कि तुम वाह जी वाह, कितना बढ़िया बढ़िया यार ये लिख लेते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया क्या ही बताएं। और इन सारी बातों पे दीदी ने एक कमेंट किया है, ही वाली इमोजी इन्होंने डाल दी है, और इनके हिसाब से ये सही हैं, बाकी के लोग गलत हैं, मतलब अंकुश उनकी फैमिली गलत है और हमारी दीदी सही है। तो हम तो यही कहेंगे दीदी थोड़ा सा प्रकाश डाल लीजिए, किसके ऊपर, अपने आत्मा के अंदर, और फिर सोचिए कि वाकई में क्या आप सही हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि अंकुश पूर्ण रूप से सही होगा, 100 गलतियाँ उसने करी होंगी, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि 500 आपने करी होगी, क्योंकि जब इंटरनेट पे थोड़ी सा इधर उधर की बातें, सब्सक्राइबर की बातें नहीं झेल पाता है, सेम टू यू बोल देता है, पति को संभालो बोल देता है, आप इंडिपेंडेंट बन जाओ ये बोल देता है, मोटापा संभालो ये बोल देता है, तो वो कैसा होगा रियल लाइफ में। आप क्रिटिसिज्म झेल ही नहीं सकती तो आपको सोशल मीडिया पे होने नहीं चाहिए। 2017 से घास छिल रही है मैडम, शायद तभी आज कहाँ की कहाँ है, वहीं की वहीं है, और निचवा गिरते जाते हैं। वैसे लोग ग्रोथ करते हैं लेकिन कुनबावासी नीचे की ओर जाते हैं, ग्रोथ वाला इनका टाइम बीत गया, अब नीचे जा रहे हैं धड़ाम से, है ना। कभी बेचारी लगती है, कभी गुस्सा आता है, बड़ी दीदी को देख के छुटकरनी के सिंह निकल आए हैं। आप लोग करें क्या, मैं समझ रही हूँ आप ह्यूमन बीइंग हैं, कई बार मुझे दया आई है भाई साहब, और कई बार मैंने अपने मन को बदला है, कई बार मैंने दूसरा चीज़ सोचा है, लेकिन उतनी बार मुझे लगा कि मैं गलतफहमी का शिकार हूँ, और अब तो प्रूफ ही हो गया कि मैं गलतफहमी का शिकार हूँ। दीदी भांति भांति के उसके रंग हैं, इतने रंग ना ऋतुएँ बदलती हैं और ना ही गिरगिट, इन सबको पछाड़ के दीदी ने नंबर वन की पोजिशन ले रखी है, आप ये मान के चलिएगा। तो आप समझ जाइए कि इन्होंने जो किया है ना, वो सारे लोग समझ रहे हैं, और अब दीदी का असली रूप यही है कि हमने भाई लॉयर कर रखा है तो हम क्यों जाएं, हम लॉयर को पैसा इसलिए नहीं देते हैं कि हम बार बार हर हियरिंग को अटेंड करें, हम हियरिंग में नहीं जाएंगे। हाँ, जिसको कंटेंट बनाना है वो जाए, क्योंकि उनके व्यूज़ तो कोर्ट कचहरी वाले के अलावा कोई चलते ही नहीं है। हाँ, मानते हैं कि व्यूज़ कम हो जाते हैं, और जो कोर्ट कचहरी वाला चीज़ आता है तो लोग इंटरेस्ट लेने के लिए आते हैं, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि अब लोग थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, वही चिड़चिड़ वही पिड़पिड़, कुछ नया नहीं कंटेंट के नाम पे, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन दीदी आपका भी तो व्यूज़ अभी चलो बड़कन्नी है, और नया कंटेंट आपके घर में आ ही चुका है। कौन कंटेंट, नया कंटेंट आपके घर में आई है भाभी जी,
तो कभी भाभी से आपकी अच्छी दोस्ती हो जाता है, अच्छा बॉन्ड हो जाता है, और कभी आपकी भाभी से लड़ाई हो जाती है। तो मैं तो ये कहूँगी कि भाई आप अपना देखिए, दूसरों के बारे में इतना ना ही सोचिए। और भाई कुछ भक्त लोग तो नॉर्मल कमेंट करने वालों को या फिर कुछ कमेंट करने वालों को जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया है कि भाई मैं ना आपके वीडियो पे कभी कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा कमेंट बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन आपके कुछ जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने नॉनसेंस बोलना शुरू कर दिया और इन्होंने बहुत सारा प्यार दिया है बेटा को, चिंटू को, है ना। तो जीजी ने बोला सो सॉरी, क्या हुआ, ओ माय गॉड, जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं हैं, हैं। तो भाई कोई एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया इनके कमेंट पे, और ये आपस में एक मोहतरमा है जो लड़ रही हैं। इनका नाम भी मैं नहीं लेना चाहती हूँ, हालांकि इनके बारे में मैंने बहुत सुना है। और यहाँ पर भी वो लड़ ही रही, तुझे तुझे करके बात कर रही हैं, तो इस प्रकार की ये हैं। ऑब्वियस हूँ, पागल है तू, पागल है तुझसे क्या लगता है, मेरी मर्जी जो चाहे बोलूँ, हाय हाय, जो वेट का इशू बनाया मेरा पागल रूप देखेगा तो, अरे भगवान, ये बहुत गंदा गंदा लिखी है। तो खैर भक्त हैं तो भक्ति में लीन हो क्या ऐसे ही बातें करते हैं, कुछ कह नहीं सकते। कोई बात नहीं, अब हम आते हैं अपने प्रिय सब्सक्राइबर्स, जो बग्गा बग्गी के सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कुछ अपने दिल की बात रखी है, वो बातें कहें। तो भैया लोगों ने यहाँ पर हमारे बग्गे को लताड़ लगाई है। सबसे टॉप पे कमेंट है कि कितनी ओवर एक्टिंग करेगा बग्गे, बस भी कर। और कुछ लोगों ने बहुत सॉलिड चीज़ पकड़ी है जो कि मेरे भी माइंड में आई, और भाई बहुत सही चीज़ है ये जो बोली गई है, आई एम सॉरी। किसी ने बोला है कि भाई घर पे तो तू ऑर्डर पे ऑर्डर अपनी बीवी को जमाता रहता है, और यहाँ पर तो पूछ रहा है तुम चाय पियोगे, तुम चाय पियोगे, बहू रानी बनने का इरादा है क्या, हैं? कितना अच्छा बनने की कोशिश करते हो, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती लड़कों पर, बहुत अजीब चापलूसी लगती है ये सब। तो इनका कहना है भाई कि बग्गा बहुत ज़्यादा चापलूसी यहाँ करने को कर रहा है और इतना ओवर एक्टिंग कर रहा है, हमें पता है कि ये अच्छे बनने का ढोंग है, ऑफ कैमरा करो, बिना कैमरा के तुम चाय बना के दो, सबसे पूछो, कैमरा ऑन करके ये सब काहे करना है। तो लोगों ने लगाई है लताड़ कि सुन बग्गे, हम तेरी रग रग से वाकिफ हैं, किस प्रकार से तू बग्गी से वहाँ पर पटना गया था तो साहब सोफे पे ऐसे पड़ा रह के पूरे टाइम ये सोफा तोड़ता रहता था, है ना, जा कॉफ़ी ले आ, जा चाय ले आ, मेरे खाने के लिए ले आ, ये ले आ, वो ले आ। तो लोगों को वो सारी चीज़ें याद आ गईं कि भाई वहाँ तो तू पूरे तरीके से दुपट्टा के ऊपर ऑर्डर चलाता है, और यहाँ पर आके तू ना इतना अच्छे बनने का ढोंग कर रहा है, साले भी समझ रहे होंगे। वाह जी वाह, बिल्कुल सही बात बोली कि साले का जी घर वाले भी समझ रहे हैं, इतनी टेक केयर उसकी बहन की कर लिए होते कि तुम क्या चाय पियोगी, कभी वीडियो में बनाओ चाय वाय दिखाओ कि बग्गी तुम रहने दो, आज मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा या लंच बनाऊंगा, कॉफ़ी बना के मैं लाता हूँ, चलो डार्लिंग पीते हैं, ऐसी हरकतें कभी घर में किया करो बग्गे, वहाँ तो सिर्फ तुम ऑर्डर जमाते हो और ससुराल में एकदम से अलग रूप लेके आए हो, इसलिए भैया जनता ने भर भर के तुमको प्रसाद देना शुरू कर दिया। त्यौहार तो ससुराल में होता है, करवा चौथ पीहर में कौन करता है, और पीपू तो कुछ काम नहीं, जब देखो आके यहीं बैठ जाता है, जनता को कतई रास नहीं आता कि बग्गा आके ससुराल में बैठ जाए, जनता अक्सर बोलती है कि देख बग्गे ये सब अच्छा नहीं लगता है, अगर आया था तो बग्गी को छोड़ के चले जाता, अर्घ ही देना है, वाली पूजा करनी नहीं है तो चला जाता, लेकिन नहीं, बग्गा ये बोल के रुका है कि हम पूरा ये सब करवाएंगे, पूजा पाठ फिर साथ में लेकर जाएंगे, का पता जी बड़की जिज्जी बिग बॉस का उधर कुछ प्लान हो फिर से घूमने फिरने का, क्योंकि इन लोग का यही होता है ना कि शिमला या सोलन फिर चले जाएंगे उसमें का जी, इन सब का घूमना फिरना यही होता है, हालांकि कुछ पैसा खर्च करके कहीं दूसरी जगह घूम सकते हैं, लेकिन नहीं, शिमला मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी धड़कन है, अरे पता नहीं क्या क्या बकवास किया करते हैं। तो सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई साहब जब आपकी सास पहले कुछ नहीं देती थी तब आप सब वीडियो में दिखाते थे, और बहू का पहला करवा चौथ सास ने कुछ नहीं दिया नाम पे, है ना, रिचुअल के नाम पे, और सास ने शगुन दिया और वो भी तुमने दिखाया नहीं, क्या बात है, क्या छुपा रहे हो।
लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं कि मम्मी जी ने दिया है, क्योंकि इधर से अगर कुछ दिया जाता था तो ऑन कैमरा दिया जाता था, इवन छोटी छोटी चीज़ ये लोग दिखाए हैं, पर ये चीज़ नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में आ रहा है कि दया कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। और सब लोग यही कह रहे हैं कि मम्मी जी ने कुछ नहीं दिया है, बस मम्मी जी का नाम खराब ना हो इसलिए बहुरिया ने झूठ बोला। लोग खुद भी बोल रहे हैं कि बहुरिया बहुत झूठी होती जा रही है। वो झूठ क्यों बोल रही है आप सबको भी पता है, बहुत अच्छे से पता है ना, झूठ इसलिए बोल रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। पीपू तुम दुपट्टा को उसकी मम्मी के पास सूट दिलवाने में इंटरेस्टेड हो हैं, और तुम उसकी पसंद का कोई सूट या साड़ी क्यों नहीं लाए देते। अरे सूट साड़ी अच्छी खासी शॉपिंग करते हैं पहले करवा चौथ को लोग, और ये बग्गा सिर्फ बीबी से कमवाने को सोचता है। यही चीज़ मुझे बग्गे की नहीं अच्छी लगती है। बाकी दोनों बहनें जो हैं, एक वो नकचढ़ी और एक इंडिपेंडेंट की बड़ी बहन है ना झुठियंका, उससे बेटर है। लेकिन आजकल ना ये जो इसका चिपड़ाई वाला काम है, कंजूसी वाला काम, लिचड़ाई वाला काम है, सब बर्बाद करके रख दिया है। थोड़ा तो भाई साहब खर्च करना सीख हैं, इतना कंजूसी का जी का लेके आएगा का लेके जाएगा। तो भाई अब ये बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। भाई लोग ये भी कह रहे हैं कि दीपू तो बहुत मक्खी चूस है, कंजूस है, तुमको ये भी सिखा रहे हैं कि करवा चौथ पर हस्बैंड वाइफ का जो कुछ मांगे वो देते हैं, स्पेशल फील कराते हैं, और तुम तो उसको कुछ नहीं करें, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता हैं, ला देकर कुछ नहीं करता। हमारी मम्मा हमारे खुद परिवार भले सब कुछ करते हैं, और तुम ससुराल में जा के बैठ गए हो। कुल मिला के पूरी वीडियो में लोगों ने सिर्फ बग्गे को धोया है, भर भर के कमेंट करे हैं लोगों ने, बढ़िया बढ़िया लिखा है लोगों ने कि थोड़ी शर्म आ जाए, पर आप सबको पता है कि बग्गा हमारी मोटी चमड़ी का है, उसको शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी इतनी भी शर्म नहीं आती। तो ये मान के चलिए कि बग्गे को शर्म नहीं आएगी, 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ बग्गे को शर्म नहीं आएगी। बाकी आप लोग समझदार हैं। तो चलिए जी अभी के लिए इतना ही, बस जाते जाते यही कहना चाहूँगी, बग्गे अभी भी टाइम है, जाके कहीं सुनार उनार के पास से वैसे मंगलसूत्र मिले तो ले आ, थोड़ी सी इंसानियत दिखा दे, कितने लाखों बीबी ने कमवाए, थोड़ा खर्च कर दे, थोड़ा सा खर्च कर दे, शर्म नहीं आती है, थोड़ी कर ले भाई, बोल रहे हैं प्यार से बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं, जाके कर दे। खैर आप सबको क्या लगता है बग्गा क्या कुछ इस पहले करवा चौथ में सरप्राइज करेगा हम सबको, अपनी बीवी को, या फिर नहीं? हम लोग सरप्राइज इसलिए हो जाएंगे कि इससे उम्मीद नहीं है, और बीवी शायद उसको अच्छी फीलिंग आए, अच्छी खुशी आएगी, चलो मेरे हस्बैंड ने कुछ तो किया। आप सबको क्या लगता है इस बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।